प्रीव्यू। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो हमारे शहर औरंगाबाद की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर सुना होगा हिमरू वर्क, जो हाथ की हैंड वर्क से शॉल बनाई जाती है और बहुत सारी चीजें इसमें बनाई जाती है, जो काफी मेहनत का काम है और हमारे शहर की एक ये बहुत बड़ी पहचान है। आज हम जिससे मुलाकात करने आए हैं, हमारे शहर में इनकी काफी पुरानी एक हिस्ट्री है। 1891 से जो पूरे एक फैमिली इस वर्क को कर रही है, उनकी आज पांचवी पीढ़ी इसमें काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद है फैसल कुरैशी साहब, जो अभी इस कारोबार को देख रहे हैं, इस वर्क को संभाले हैं, ये एक ऐतिहासिक चीज को लेकर चल रहे हैं। सर, आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जैसा मैं बताया सर, ये वर्क कितना पुराना है, हमारे शहर की एक क्या पहचान है और आप इसमें कब से काम कर रहे हैं? देखिए, हिमरू तो औरंगाबाद का एक कल्चरल हेरिटेज है जी। और ये 14 सेंचुरी में यहाँ पर आया था, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल शिफ्ट किए थे जी, दिल्ली से दौलताबाद को जी। और उस टाइम में ये कला यहाँ पर कहा जाता था हमरू, और यहाँ पर जो नॉर्थ में बनता था वो था किमखाब, जो सिल्क और सिल्वर थ्रेड में बनाया जाता था 14 सेंचुरी में। और ये जब यहाँ पर आया तो लोकल कॉटन से सिल्क को मिला के बनाया गया हमरू हमरू, और हमरू होते होते हिमरू हो गया जी ओवर द टाइम जी। और ये जो अभी बुन रहे हैं यहाँ पर, जो वीविंग हो रही है जी, ये एग्जैक्टली सेम टेक्निक है जो आज से 700-800 साल पहले औरंगाबाद शहर में, ये रीजन में जी बुनी जाती थी। और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो डिजाइन अभी यूज हो रहे हैं वो ट्रेडिशनल ओल्ड फ्लोरल डिजाइन, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, मुगल डिजाइन, अजंता केव्स, एलोरा केव्स के डिजाइन हम आज भी उसे यूज कर रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पर दो लोग लगते हैं काम करने के लिए। बहुत ही पुरानी टेक्निक है ओरिजिनल फॉर्म में, और जो डिजाइन है आप देख रहे हैं वो धागों में, मतलब ये जो धागे हैं वो डिजाइन है, वो प्रोग्राम है, एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है वो डिजाइन के लिए, और वो डिसाइड करता है कि डिजाइन क्या आएगा नीचे। और एक वीवर को बनाने के लिए 20 दिन लगते हैं ये शॉल को, अच्छा 2 मीटर। और ये ओरिजिनल जो हिमरू आप जैसा सुनते हो कि हिमरू क्या है जी, ये असली हिमरू है। बाकी जो हिमरू होता है आजकल जो बिक रहा है वो, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट जो ओरिजिनल हिमरू है वो कुरैशी फैमिली में इसे बचा के रखी है जी। अभी जो ये वर्क कर रहे हैं चाचा, ऐसे कितने वर्कर इसमें बचे हैं, कितने कारीगर इसमें हमारे शहर में बाकी है अभी? देखिए, कला को जानते हैं ठीक है, अभी ज्यादा मास्टर वीवर्स की मैं अगर बात करूं तो हमारे पास 10 से 15 मास्टर वीवर्स है जी। और अगर हम इसमें ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग बनाते हैं तो हम 1000 वीवर भी हम ये 15 वीवर्स से बना सकते हैं। ये हम अगर ये कला सबको सिखा दे और इसमें अगर गवर्नमेंट कुछ फंड करे या इसमें सपोर्ट करे जी, तो इसमें हम काफी हद तक आगे जा सकते हैं, ये मुझे लगता है। क्योंकि हमारे जो मास्टर वीवर्स है बहुत एक्सपर्ट है वो, और अगर एक बार उन्होंने सिखा दिए तो वो वीवर्स वो कला को लेके आगे बढ़ सकते खुद। ये जिस तरह के भी यहाँ पर शॉल मौजूद है, ये सभी शॉल्स इसी से बनाई गई? नहीं, ये तो जैकार्ड की शॉल है। हिमरू शॉल जो अभी बनाई गई अंदर वो ये वाली शॉल है, अच्छा। जो कॉटन एंड सिल्क में बनती है, जो अभी चाचा अंदर अंदर जो सर बना रहे जी तैयार होने के बाद उसका इस तरह ऐसा है, ये ओरिजिनल है। और अभी रिसेंटली एक कंपटीशन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के महाराष्ट्र, उसी का उसमें आपको अवार्ड भी मिला है माशाल्लाह। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें स्टेट गवर्नमेंट से ऑनर किया गया ये अवार्ड से जी। और ये अवार्ड हमने जीता, हमारे सैंपल्स हमने दिए थे वहाँ पर, और वहाँ पर कंपटीशन में हमें प्राइज भी मिला, इनाम भी मिले, मोमेंटोस भी मिले, और ऑनरेबल टेक्सटाइल मिनिस्टर सर ने हमें इस अवार्ड से नवाजा है जी। ये हमारे शहर के लिए काफी बड़ी बात है जी जी। आप इस वर्क को कर रहे हैं सर, इसका मतलब ये कीमत क्या होती है हमारे इसमें? अक्सर ये चीजों की मतलब मार्केट कम होता है जी, लोग कम खरीदते हैं। देखिए, ये जो शॉल बनी है इसको बनाने के लिए 20 दिन लगे, इसकी लागत हमें ऑलमोस्ट जाती है 12,000 रुपए ये शॉल बनाने के लिए। एक शॉल, एक हिमरू ओरिजिनल पागे के लूम से जो सर ऐसा बुन रहे अंदर जी, उसको 12,000 लागत लगती है। और हम सेलिंग में इसको कम में करते हैं क्योंकि हमें कला को बचाना है
अच्छा, हम इसको बेसिकली हमारा डिपेंडेंस पूरा टूरिज्म पे हुआ करता था और आज भी टूरिज्म पे ही है, क्योंकि औरंगाबाद में तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि इतनी महंगी शॉल कोई लेगा, तो जो टूरिस्ट आते हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको लेते हैं। ये जो अभी आपको अवार्ड दिया गया है, इसमें क्या चीजें देखी गई, कितने लोग इस कॉम्पिटिशन में थे? देखिए, इसमें पूरे स्टेट के हैंडलूम्स के लोग थे, जो भी हैंडलूम, जैसा कि हमारा हिमरू है, पैटनी है, खन फैब्रिक है, करवती वीव्स है विदर्भ के, इसी तरीके से जो और भी वीव्स थे शोलापुर के, इसमें से हिमरू कैटेगरी में हमें अवार्ड मिला गया है। और दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुरैशी फैमिली इसे चला रही है, बना रही है, और ये सिर्फ हमारे अलावा कोई बनाता नहीं, तो इसलिए हम लोग यूनियन आपके कंपटीशन नहीं, क्योंकि ये कला को आप सोचिए, अगर 12,000 की शॉल बना रहे और 6,000 से बेच रहे हैं, तो ये कोई एक पागलपन ही कहा जाएगा ना, कि कोई कुछ कमर्शियल वैल्यू तो है नहीं इसमें, बट कला को बचाना, सभ्यता को, ट्रेडिशन। इतना बड़ा जो शोरूम आप खोल कर रखे हैं, आपके पास काफी सारे वर्क जी जी जी, फिर अखराज आप किस तरह, ये हमारे तो प्रोडक्ट्स और भी है ना, पैठनी है, दूसरी चीजें भी हमारे बेडशीट है, वो भी है, बट ये हिमरू जो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, हिमरू कला ये इसको कहते हैं। ये वर्ड को गलत इस्तेमाल करके लोगों ने उसका मिसयूज करके अपने हिसाब से उसे चलाया है, बट हिमरू जब कहते, जैसा कि सरकार भी मान्यता देती, सरकार भी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज को जब जूरी होती है उसका एक प्रॉपर उसका प्रोसीजर होता है कोई चीज को जज करने का, तो एक्चुअल जो हिमरू है वो हम ही बना रहे, उसके अलावा कोई नहीं बना रहे, औरंगाबाद में नहीं, हैदराबाद में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। अच्छा सर, ये जो वर्क है जिस तरह आप बताए, बहुत मेहनत से बनता है और बहुत लागत से बनता है जी, ऐसे कुछ यूथ है जो चाह रहे हैं कि इस वर्क को सीखे? जी बिल्कुल, यूथ हमारे पास तो रोज आते हैं, यूथ हमारे पास, लेडीज आते हैं उसने काम, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लूम्स नहीं, हमारे पास उतने फंड्स नहीं है ताकि हम उसको और बढ़ाए, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें स्पेशल इंटरेस्ट ले सरकार और इसमें जो है तो फंडिंग करके इसको कैसा हम उसको आगे इनकरेज कर सकते, व्यूअर्स नए व्यूअर्स कैसा बना सकते, इसमें हम काम कर सकते हो। फैसल भाई, जैसा आप बताए हैं, अभी जब से कोविड हुआ है उसके बाद से टूरिज्म हमारे शहर का तकरीबन ना के बराबर जी, पहले फॉरेनर्स गली गली दिखाई देते जी, थे जी, जी। तो आपका शोरूम ये कहाँ पर है, जो ऐसे लोग है, जो साहिब ऐसे थे जो इस चीज को पाना चाहते हैं या इसी चीज का शौक रखते हैं, तो कहाँ पर? देखिए, हमारा जो शोरूम है, दो शोरूम है हमारे, एक तो केनॉट में जो पुराना मोड़ था उसके बाजू में, एम्बेसडर के बाजू में एक वो शोरूम है, और जो मेन हमारी फैक्ट्री है मोंडा जाफर गेट में हिमरू फैब्रिक्स के नाम से। अच्छा, यहाँ आप आ सकते हो। सर, इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है मुझे, साड़ी जी जी जी, ये भी रहते हैं, इनके प्राइजेस कैसे रहते हैं? प्राइजेस नहीं, इतने ज्यादा नहीं होते, इसमें कैसा होता है कि मिनिमम 1,000 रुपए से ये होते, बड़े बेडशीट होते हैं, 400-500 से सिंगल बेडशीट होते हैं, और फिर शॉल्स होते हैं 500-1,000 रुपए। पैठनी साड़ी जो है, इसके अलावा को भी आज बचाने की जरूरत है? बिल्कुल, बचाने की भी जरूरत है, क्योंकि कैसा है कि पैठनी को डायरेक्ट कंपटीशन आजकल जो है तो सूरत में जो प्रोडक्शन हो रहा है और साउथ इंडिया में जो उसके सेम डिजाइन को कॉपी करके उसको जो ओरिजिनल चीज को डुप्लीकेट किया जा रहा, कहीं ना कहीं उस कला को भी इफेक्ट हो रहा है। जैसा कि अगर पैठनी आप देखेंगे तो ये जो ओरिजिनल पैठनी होती है उसमें इस तरीके की ओरिजिनल पैठनी होती है, वैसे तो खरीदने वालों को काफी इसकी जानकारी होती है जो बट आजकल मशीनों से समझ में नहीं आता है कि असली क्या है नकली क्या है, तो जो ओरिजिनल, हाँ जो ओरिजिनल होती है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लूज थ्रेड नहीं होते, इंटरलॉक्ड होता है हर जगह, हर थ्रेड अपनी जगह में है, जैसा कि आप पर्पल देख सकते हो यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से ब्लू है, फिर पर्पल है, रेड है, ब्लैक है, ऐसा इस तरीके से इसका अगर आपको पहचानना है, अगर आपको असली पैठन ही लेना है तो आपको ये देखना है कि ये इसका बैक साइड चेक कर लेना, अगर फेक रहेगा तो पीछे धागे आएंगे, जैसे कि ये फेक पैठन ही है, आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ, ये फेक पैठन ही है, आपको सिल्क मार्क चेक करना है,
उससे भी आप समझ सकते हो कि भाई सिल्क असली है क्या। और ये देखिए फेक पैटर्न में ऐसे धागे फ्लोटिंग थ्रेड्स आते हैं। ओके, ये मतलब ये मशीन का, ये मशीन का काम है ये सब, ये हैंडवर्क नहीं है। अब पैटर्न ही का बताया है, ये हैंडवर्क ये। और एक और एक मैं आपको हिमरू में भी एक डिफरेंस बता देता हूँ। जी हिमरू शॉल लीजिए, ये इसके बाजू वाले। अब ये देखिए आपकी शॉप में मैं अंदर आ गया। ये कोई बात नहीं, ये देखिए अब ये जो पावर लूम की शॉल है ये भी इम्ब्रू शॉल है, बट ये पावर लूम की है। इसमें एक्स्ट्रा वार्प में बनी हुई है, एक वार्प 1, 2, 3 कलर वार्प, 4 कलर वार्प, वेफ्ट में 1 कलर चल रहा है। ये देखिए आप और से देख सकते हैं ये धागे वार्प हो गए, इसको ताना बोलेंगे, ये बाना हो जाएगा। ठीक है, ये इसका, और ये जब बनती है तो ऊपर की तरफ बनती है, और जब हमारी हैंडलूम की है एक्स्ट्रा वेफ्ट में बनी हुई है, तो इसके वार्प में सिंगल कलर है। ओके, और एक्स्ट्रा वेफ्ट में 1, 2, 3 कलर वेफ्ट में। अगर हैंडलूम में हमारे पास इतना है कि हम वेफ्ट में 4 कलर भी चला सकते हैं, 5 कलर भी चला सकते हैं, तो ये हाथ की कला की खूबसूरती जो है वो हाथ की हाथ में ही आती है। पावरलूम उसका मैच नहीं कर सकता। अगर जो भी अगर टेक्सटाइल एक्सपर्ट आप हैंडलूम एक्सपर्ट से आप जांच करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि भाई क्या डिफरेंस है हैंडलूम में पावरलूम में। ओके जी सर, ताना बाना ये वो जो वीव्स होती है। जो हमारे शहर का मामला अगर देखा जाए, जो हमारी यूथ है या हमारे देश की, उनको आप एक क्या मैसेज देंगे, इस तरह की कला हमारे लिए संभालना कितना जरूरी है? देखिए पहली बात तो एक प्राइड की बात है कि गर्व की बात है कि हमारे मुल्क में हमारे शहर में ऐसी कलाएं ईजाद हुई है, बनी है, आज तक चलती आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सी चीज़ें रहती है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो आज अगर ये कोई लोग बना रहे हैं, कुछ व्यूवर्स मिलके इसको बना रहे हैं, तो इसको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, इसको एनकरेज करने की ज़रूरत है, इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब सपोर्ट कैसा कर सकते हैं? सपोर्ट ऐसा कर सकते हैं, आपको आप पहले बात तो ख़रीदने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी है, ओकेजन है, तो आप प्रमोट कीजिए हैंडलूम्स को। हाँ, वोकल फॉर लोकल जो एक नारा है, हाँ, सपोर्ट हैंडलूम। उसके अलावा अपने शहर से अगर आपको कोई सोवेनियर देना है, कोई दे रहे तो आप हैंड अपने हिमरू के प्रोडक्ट्स दीजिए, क्योंकि ये एक बेस्ट, जैसा कि औरंगाबाद में नानखलिया एक खिलाते हैं तो नानखलिया, और देते हैं तो हिमरू, तो ये एक आप एक उसको लेके चल सकते हैं, और एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के तरफ से कर सकते हो, या अगर ये कला को बचाना है तो सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मेरा ये बोलना है कि अकेले से हम नहीं कर सकते ये चीज। अगर भाई टूरिस्ट नहीं आ रहे, टूरिज्म को कैसे हम प्रमोट कर सके, अपना शहर स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, ताकि टूरिस्ट आए, टूरिस्ट आएंगे तो लोकल इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, ये भी एक काम हो सकता है। और इसी तरीके से वर्ड ऑफ माउथ, पब्लिसिटी, और एक अपने चीज को अपना एक अपनियत से सपोर्ट कर सकते हैं इसको। जी थैंक यू सो मच सर वक्त देने के लिए। तो ये थे फैसल कुरैशी साहब, जो कुरैशी फैमिली ही सिर्फ बची है अभी हिमरू वर्क को करने के लिए, हमारे शहर में एक पहचान को बचाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पे आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस तरह की कला को ज़िंदा रहना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए, आप हमें अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।